देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर सिविक सेंटर में कांग्रेसियों के द्वारा इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की, जहां इस दौरान पुण्यतिथि के अवसर पर संगोष्ठी का कार्यक्रम हुआ, जहां कांग्रेस जनों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। वहीं पुण्यतिथि के अवसर पर सिविक सेंटर पहुंचे महापौर जगत बहादुर अन्नू ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनके द्वारा देश के लिए किए गए कार्यों को याद किया गया। वहीं लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती पर उन्हें याद किया गया। वहीं दोनों महान व्यक्तित्व के द्वारा जिस प्रकार से देश की उन्नति में अपना योगदान दिया गया, उनके योगदान को याद कर सभी ने संकल्प लिया कि देश की उन्नति और देश को एक सूत्र में बांधने के लिए सभी मिलकर काम करेंगे। आज पूज्य इंदिरा जी का बलिदान दिवस और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जन्म जयंती समारोह हम लोग यहाँ पर पुष्पांजलि और श्रद्धांजलि देकर अर्पित कर रहे हैं। सभी ने अपने अपने विचार भी रखे, संगोष्ठी भी हुई, भजन कीर्तन भी हुआ। हम लोगों ने इंदिरा जी को, वल्लभ भाई पटेल जी को याद किया, उनके किए हुए कार्यों को याद किया, देश को किस तरीके से ये दोनों महान विभूतियों ने आगे बढ़ाया, किस तरीके से देश को उन्नति के रास्ते पर चलाया, वो सब बातें आज शहर जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने अपनी पुष्पांजलि के दौरान की। अब इसके उपरांत हम लोग गांधी चौपाल लगने वाली है, उस पर भी हम लोग गांधी जी से लेकर सारे हमारे महान जितने भी नेता देश के रहे हैं, महान विभूतियां हमारे देश की रही हैं, उन पर चर्चा होगी। चौपाल में हम लोग संगोष्ठी करेंगे। जबलपुर से आशीष बाथरे की रिपोर्ट।